कोविड को लेकर अचानक जींद में आना हुआ और जिसमें उन्होंने अधिकारियों की भी मीटिंग ली और साथ में उनका सिविल हॉस्पिटल का भी उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद उनका जाना हुआ। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसान पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी देर रुकने के बाद डीसी साहब से उनकी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद उन्होंने मेरी कोठी का घेराव किया। उस दौरान में मेरी यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी, मैं 3 इख्तिरामियों से होके यूनिवर्सिटी में मेरा जाना हुआ और उन्होंने मेरी कोठी का घेराव किया। उसी दौरान में जब वो बैठे हुए थे उसी दौरान में एक हमारे पड़ोस में डेयरी है उसमें बच्चा जो गन होती है जो बंदरों को भगाने के लिए गन थी जो रूटीन में पक्षियों की एयर गन जो पक्षियों को दाना भी डालता था रूटीन में प्रतिदिन और एयर गन को साथ लेके जाता था और उस बच्चे को देख के किसानों ने ये कहा कि विधायक के पुत्र रुद्राक्ष मिड्डा और भतीजा ध्यानु मिड्डा ने किसानों को गन दिखाने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ध्यानु मिड्डा है जो मेरा भतीजा है वो सुबह दिल्ली हॉस्पिटल में जाता है और शाम को आता है जिसके मैंने सारे प्रूफ मंगवा लिए और रुद्राक्ष मिड्डा और जो फ़ोटो इन लोगों ने किसानों ने जो फ़ोटो भेजी है वो हमारे पड़ोस में जो डायरी है उनके बेटे हैं और पोते हैं जो कि एयर गन लेके गए थे जिसके लिए किसी लाइसेंस की या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बंदरों की आतंक की वजह से वो लोग ऐसा और रूटीन में ही वो पक्षियों को दाना डालते हैं। जो किसानों ने किसानों की आड़ में ये काम किया कुछ शरारती तत्वों ने जो किसानों की आड़ में जिन्होंने ये काम किया किसानों से हमारा भी लगाव रहा। मैं भी SYL मुद्दे को लेके पटियाला जेल में रहा और किसानों में डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जो मेरे पिता हैं उनका भी नज़दीकी रिश्ता रहा और उन्होंने हमेशा जबकि मैं 1 बीघे का भी ज़मींदार नहीं लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते एक पुराने डॉक्टर होने के नाते मेरे पिताजी ने हमेशा जो गांव के लोग आते थे दवाइयों के जो भी हमारा प्रोफेशन था उसके चलते भी वो उनके लिए अच्छा काम और अच्छी सोच रखते थे और हमारी सोच भी इन अन्य देवताओं के प्रति अच्छी रही है। कभी भी इनके खिलाफ आज तक कोई ऐसी टिप्पणी अगर मैंने की हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। और दूसरा अगर मेरे परिवार का मेरा भतीजा या मेरा बेटा अगर इसमें सम्मिलित हो मैंने आपको सारों को प्रूफ दिखा दूंगा और प्रूफ दे दूंगा क्योंकि महापंचायत ने ये कहा कि 3 तारीख को महापंचायत इस बारे में निर्णय लेगी लेकिन मेरा भी महापंचायत से निर्णय कि हमारे प्रूफ देखने के बाद उन शरारती तत्वों के खिलाफ एक्शन लेगी। अगर मेरा बेटा और मेरा भतीजा इसमें दोषी पाया जाता जो महापंचायत फैसला लेगी वो हम मान्य करेंगे लेकिन उन शरारती तत्वों के खिलाफ महापंचायत क्या फैसला लेगी ये भी महापंचायत को फैसला लेना होगा कि उनको क्या सजा मिलेगी ये भी उनको देखना है। और मिड्डा परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं अगर ऐसा महापंचायत कोई फैसला नहीं लेती तो मैं कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा उन व्यक्तियों को लेकर जिन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है। नहीं गलत फहमी नहीं कुछ शरारती तत्वों ने ही ऐसा किया कि जिनको उन शरारती तत्वों ने ही ये कंप्लेंट दिलवाई और उन शरारती तत्वों में से कुछ एक लोग ऐसे थे जिनको मेरे पुत्र का नाम और मेरे भतीजे का नाम पूरा याद था और उन्होंने ऐसा किया। नाम क्या है जानबूझ के किया गया? ये जानबूझ के शरारती तत्वों ने किया है मेरे को और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए। वो आपके बेटे के खिलाफ बाई नेम शिकायत दिया है, मीडिया उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? बाई नेम उन्होंने शिकायत की है और 4-5 लोग हैं तो जिन्होंने साइन बता दीजिए ना जिनके साइन है जो मेरे पास में उन्होंने उस पे फेसबुक पे डाला है। कोई प्रधान है और एक कंडेला के हैं और आज़ाद पालवा या कुछ ऐसे नाम के हैं जो 4-5 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब कार्रवाई की है उनके खिलाफ मजबूरन मेरे को कोर्ट में जाना। वो किसान है किसी दूसरी पार्टी से संबंधित राजनीति? पार्टी से नहीं वो शरारती तत्व है। मैं तो ये कहूँगा वो किसानों की आड़ में उन्होंने ये काम करने का काम किया। किसान तो शांतिपूर्वक बैठे थे लेकिन किसानों को भड़काने का काम भी उन्होंने किया और किसानों की आड़ में ही उन्होंने ये शरारत रची और उनके खिलाफ मैं पूर्ण रूप से कार्रवाई करूँगा। आपके माध्यम से ये सूचना देना चाह रहा हूँ और मैं आपको सारे प्रूफ भी दिखलाऊंगा और मेरे भतीजे का भी और मेरे बेटे का भी और फोटो आप देख सकते हैं। वो जो 4-5 लोगों ने नाम दिया वो मैंने कुछ 2-3 नाम मुझे ध्यान है मैंने आपको बताया। एक कंडेला के और एक खटखड़ के और बरसोड़ा में रहने वाले हैं वो प्रधान है।
विधायक जी कल का जो प्रकरण था उसी प्रकरण के दौरान एक नेता ने यह आरोप लगाया था कि विधायक मुद्दा ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपने किसी वर्कर से ये कहा कि 7,000 में या 8,000 में प्रबंध होगा, उन बातों पे आपका क्या? अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा और उसके पास कोई प्रूफ है मैंने 7-8 हज़ार रुपये के लिए कोई ऐसी बात की है तो मैं जिम्मेवार हूँ, जो सजा मुझको मिलनी चाहिए वो सजा दे। बल्कि कल मीटिंग के अंदर ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको ये कोविड में पेशेंट रखने की इजाज़त दी गई है उनके भी रेट निर्धारित किए जाएँ, उनके बेड के, उनकी ऑक्सीजन के, और अगर वो दूसरी कोई सुविधा देते हैं उनके रेट तय किए जाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। और उन रेटों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिश्नोई साहब की और डीसी साहब की ड्यूटी लगाई, और लगाने के बाद आज शाम तक वो रेट तय किए जाएंगे और फिक्स करने के बाद उसको मीडिया में बताया जाएगा, ताकि आम व्यक्ति को ये पता लगे कि क्या रेट किस हॉस्पिटल में रखा गया।